क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। तो दोस्तों क्या हाल है आपके? ये रितु थोड़ा सा दुखी हो चुका है क्योंकि उसका फेसबुक ऐड अकाउंट डिसेबल हो चुका है। टें टें टें। अब ये क्या हुआ कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले दिखाया था फेसबुक एड्स लॉन्च करके सिलिकॉन डिशवॉशिंग ग्लव्स का। उसके बाद मैंने दो और एडसेट्स, दो और कैंपेन शुरू किए जिसके अंदर तीन तीन एडसेट्स और थे दो और प्रोडक्ट्स के लिए, और वो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या हुआ। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे करके हुआ था, क्या हुआ, क्यों हुआ, जो मुझे लगता है क्यों हुआ, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले तो ये वीडियो एंड तक देखते रहना क्योंकि आपको काफ़ी कुछ शायद सीखने को भी मिले कि अगर आपके साथ कभी हो तो कैसे किया जा सकता है, और अगर आपको पता है किसी का अगर एड अकाउंट डिसेबल हुआ है तो क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं उसको ठीक करने के लिए। तो मैंने दो तीन दिनों के लिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ये एड अकाउंट ही डिसेबल हो गया था मेरा। और स्टेप बाय स्टेप देखो ऐसा हुआ था कि सबसे पहले तो मैंने एड्स आप लोगों के सामने शुरू किया वो एक प्रोडक्ट का, उसके बाद मैंने दो और कैंपेन शुरू कर दिए, फोन मैग्नीफायर वाला और हेयर फिनिशर वाला, और उसके हर एक के तीन तीन एड सेट थे, मेरे क्रिएटिव्स ऑलरेडी रेडी थे, तो फिर वो मैंने शुरू कर दिया। तो मुझे फिर ईमेल आता है कि आपके योर एड्स आर अप्रूव्ड, ठीक है। तो मुझे तीन ईमेल आते हैं जिसमें लिखा होता है योर एड्स आर अप्रूव्ड, तो मेरे कैंपेन्स एक्चुअली अप्रूव हो चुके थे। और उसके कुछ मिनट बाद ही मुझे ईमेल आता है एड अकाउंट डिसेबल्ड फॉर पॉलिसी वायोलेशन। फिर उसके बाद एड अकाउंट आईडी लिखा है, उसमें लिखा हुआ है हाय ऋतुपन, योर एड अकाउंट हैज बीन डिसेबल्ड फॉर प्रमोटिंग एड्स दैट वायलेट आर एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज। तो मैं पॉलिसीज खोल के देखा, वैसे करके कुछ था नहीं, और वैसे भी मेरे एड्स अप्रूव्ड थे, नहीं तो वैसे होता ना कि पहले तुम्हारे एड्स डिसअप्रूव होते हैं और उसके अंदर रीजन लिखा होता है कि क्यों आपके एड्स डिसअप्रूव है, यानी कौन सा पॉलिसी आपने वायलेट किया। तो मेरे केस में वो सब चीज़ें लिखी हुई थी। तो अगर आपका एड अकाउंट डिसअप्रूव हुआ है कभी और उसके अंदर, मतलब अगर आपके कोई एड डिसअप्रूव हुए हैं, तो अगर आप एड के ऊपर क्लिक करो और वो एड एक्चुअली खुलेगा आपके एड्स मैनेजर में, तो ऊपर लिखा होता है कि क्या आपने कौन सा पॉलिसी उनका आपने वायलेट किया है, और फिर आप ऐड को इम्प्रूव कर सकते हो उसके, या तो ऐड कॉपी को या फिर आप ऐड के वीडियो को इम्प्रूव कर सकते हो जिससे आपका वो पॉलिसी वायलेट ना हो, या फिर अगर आप कोई बैंड प्रोडक्ट उनका एडवर्टाइज करो जो उनको पसंद नहीं है तो कोई और प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हो, वो एड्स को बंद कर सकते हो। तो मेरे केस में वो सब चीज़ें कुछ नहीं हुआ, मेरे केस में सीधा एक ईमेल आता है कि एड अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड, इवन दो मेरे पूरा एड्स को अप्रूव कर दिया गया था, यानी मुझे एड अप्रूव्ड का मैसेज ईमेल आया था, फिर मैंने एड अकाउंट के अंदर खोल के देखा, लिखा हुआ था एक्टिव, फिर उसका अचानक से बंद हो गया वो सारा कुछ, और अब लिखा रहा है उसके अंदर नॉट डिलीवरिंग, और मेरे एड अकाउंट के ऊपर लिखा रहा है कि ओनली एक्टिव अकाउंट्स कैन क्रिएट और एडिट एड्स, और उसके नीचे एक और वार्निंग का सिंबल लिखा रहा है, योर एड अकाउंट हैज़ बीन फ्लैग्ड फॉर पॉलिसी वायलेशंस, एनी एड्स यू आर रनिंग हैव बीन टर्न्ड ऑफ, इफ यू बिलीव दिस इज अ मिस्टेक कॉन्टैक्ट अस। अब वो कॉन्टैक्टस पे जाता हूँ तो फिर एक फॉर्म खुल के आता है। तो क्या करना चाहिए, क्या स्टेप बाय स्टेप, मैंने क्या क्या चीज़ें की। सबसे पहले तो मैंने उनको कांटेक्ट किया फेसबुक को चैट के ऊपर। तो आप फेसबुक बिजनेस चैट सर्च करोगे, आपको मैंने पिछले वीडियो में जिसमें मैंने बताया था फेसबुक ऐड का स्ट्रैटेजी, फेसबुक ऐड कोर्स 101, उसके एंड ऑफ द वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे करके वो चैट वाला बॉक्स आता है। तो मैंने चैट के ऊपर मार्क से बात की, वहाँ पर उनके चैट रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको मैंने बताया कि मैं एक ई कॉमर्स स्टोर रन कर रहा हूँ और मैंने बस पहला ऐड अपना लॉन्च किया था और उसके बाद अचानक से मेरा ये आ गया कि ऐड अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड, और उससे पहले मतलब ऐड अप्रूव भी हो गया था। तो इसका क्या रीज़न है, उसने बोला कि मेरे को ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता इसका, बट मैं अपने सुपीरियर्स को या फिर अपने जो ऐड रिव्यू टीम है उनको जाके बोलने वाला हूँ, जो अकाउंट रिव्यू टीम है, तो वो आपका अकाउंट रिव्यू करेंगे और वो आगे जाके आपको फिर वर्डिक्ट देंगे। तो फिर मेरे को लगा कि हो जाएगा, फिर चैट बंद हो गया, फिर मार्क का मुझे वो केस आईडी भी बन के आ गया था, फिर मार्क का मुझे एक दिन बाद ईमेल आता है कि आई वी चैटेड और ये सब चीज़ें, और आई हैव फॉरवर्डेड दिस टू माई टीम, और वो फिर उसको देख रहे हैं। उसके दिन अगले दिन एक और ईमेल सेम जो पिछले दिन ईमेल आया था वही आया था कि आई फॉरवर्डेड दिस और बाकी अकाउंट रिव्यू टीम देख रहा है इसको। तो फिर उसका मेरे को लगा कि कुछ हो तो रहा नहीं है, तो फिर मैंने वो जो कॉन्टैक्ट लिंक था उस पर क्लिक किया, तो उस पर वो फॉर्म बन के आ गया था। उस फॉर्म के अंदर मैंने बोला ये मेरा केस आईडी है और ये मेरा ऐड अकाउंट है जो बंद हुआ था, तो इसको कैसे करके हम ठीक कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मेरा ऐड अकाउंट क्यों बंद हुआ, क्या पॉलिसी वायलेट है, ये सब चीज़ें। तो कहानी ऐसी है कि कुछ सालों पहले, मेरे ख्याल दो तीन साल पहले, मेरे एक
शायद उससे भी पहले, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कब, लेकिन कुछ टाइम पहले मेरा पर्सनल जो ऐड अकाउंट था, कोई एक ऐड अकाउंट था मेरा जो मेरे नाम पे था, और वो डिसेबल हो गया था. तो क्योंकि उसके अंदर कोई पॉलिसी वायलेशन थी, कोई ऐसी ऐड थी जो उनकी पॉलिसी को वायलेट कर रही थी. तो उसके बाद से कुछ कुछ अकाउंट्स जो मैं चलाता हूँ अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर के थ्रू, वो डिसेबल हो जाते हैं. तो फिर वो डिसेबल हो गया, ठीक है. तो मेरे को लग रहा है कि उनके कोई ट्रिगर हो गया होगा उनके एल्गोरिथम के अंदर, कि इस बंदे ने ये ऐड अकाउंट बनाया है, और इसी बंदे का हमने पहले भी कुछ सालों पहले इसका ऐड अकाउंट डिसअप्रूव किया था, कुछ कोरिलेशन बन के आया, तो ऑटोमेटिकली एड्स तो अप्रूव हो गए, क्योंकि ऐड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी. प्रॉब्लम थी कि मेरे नाम पे मैंने पुराने कोई ऐड अकाउंट बनाए थे जो डिसेबल हुए थे, और उसके बेसिस पे ये वाला ऐड अकाउंट भी डिसेबल हो गया. तो मेरे पास ऑफकोर्स बहुत सारे बिजनेस मैनेजर अकाउंट्स हैं. मेरा जो कॉलीग है उसके पास भी एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट है. मैंने उसके अंदर जाके एक और स्टैम्प का ऐड अकाउंट बना लिया है अब, और वो ऐड अकाउंट अब के अंदर मैंने पहला ऐड अभी लॉन्च करके देखा है. अभी मैं रिफ्रेश करता हूं, अभी भी इन रिव्यू दिखा रहा है, अभी तक बैन नहीं हुआ है वो ऐड अकाउंट, अभी तक तो ठीक लग रहा है. होपफुली वो अप्रूव हो जाए ये वाला जो नया ऐड अकाउंट के अंदर जो ऐड शुरू किए हैं. क्योंकि देखो मेरे को तो, मेरे लिए तो एक केस स्टडी स्टोर है ना, तो क्योंकि मेरे को आपको सिखाना है कैसे करके ऐड शुरू करते हैं, कैसे स्केल करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं प्रोडक्ट्स. और अगर मुझे आपको सिखाना पड़ेगा तो मुझे ये चलाना पड़ेगा. तो अगर नहीं भी चलते फिर भी मैं आपको स्ट्रैटेजी तो बता सकता हूँ. क्योंकि मेरा जो कॉमन पैंडा वाला फेसबुक ऐड अकाउंट है, जो मेरे और फ्लाइंग स्टार्ट ऑनलाइन के, मेरे काफ़ी सारे फेसबुक ऐड अकाउंट्स हैं जो चल रहे हैं, तो उनके बेसिस पे मैं स्ट्रैटेजी तो ऑलरेडी बना चुका हूँ. तो मेरे को पता है स्केल कैसे करना है, टेस्ट कैसे करना है, वो सब चीज़ें, तो वो मैं आपको सिखा सकता हूँ. लेकिन अगर कोई भी ऐड अकाउंट इस वाओ स्टैम्प स्टोर का नहीं अप्रूव होता, जैसे जो नया ऐड अकाउंट भी बनाया वो भी मान लो अगर बंद हो जाता है, तो फिर मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा कैसे करके ये इस स्टोर के ऊपर नहीं दिखा पाऊंगा. मैं आपको बाकी सब कुछ दिखा सकते हैं स्टोर के ऊपर, क्या प्रोडक्ट्स करने हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं, उनको स्केल कैसे कर सकते हैं, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप को आपको कैसे बढ़ना है, लेकिन मैं आपको करके नहीं दिखा पाऊंगा इस एड अकाउंट के ऊपर. तो ये रहा पूरा ए टू जेड जो कहानी है, और ऐसे करके सब कुछ हुआ. और मेरे को पता है अनफॉर्चुनेट है, ठीक है, जब जो पहले कभी हुआ था उसको लेकर वो कहते नहीं स्केलेटन्स फ्रॉम योर क्लोजेट, यानी पुराने स्केलेटन्स पड़े हैं क्लोजेट के अंदर, वो बाहर निकल के आ गए, वैसे टाइप का कुछ हुआ है. तो अगर मेरे को कोई खुशखबरी मिलती है तो ऑफकोर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. और आप लोग प्लीज विश करो, सपोर्ट करो मुझे, कमेंट्स के अंदर लिखो और बताओ कि यार कि ऐड अकाउंट अप्रूव हो जाएगा. क्योंकि अगर आप यूनिवर्स के अंदर पॉजिटिव सिग्नल्स थ्रो कर दोगे तो क्या पता ये वाला ऐड अकाउंट अप्रूव हो जाए. अगर हो जाए तो मैं आपको इसी के ऊपर दिखा पाऊंगा कैसे करके पूरे टेस्टिंग और स्केलिंग और वो सब चीजें करते हैं. तो ये बात रही, अब मैं आपको क्या बताऊं इस वीडियो के ऊपर, लाइक करने को कि ना करने को, बट कॉमेंट तो कर ही दो यार, अपनी ब्लेसिंग्स दे दो, मुझे चाहिए होंगे आपकी हेल्प. और इसी बात पे मैं अभी रखता हूं, और अगले वीडियो के अंदर अगर ये अकाउंट अप्रूव नहीं होता तो फिर मैं स्ट्रैटेजी को लेके बात करूंगा ज्यादा, एक्चुअली ऐड अकाउंट के अंदर नहीं बट स्ट्रैटेजी को लेके बात करूंगा. अगर ऐड अकाउंट अप्रूव हो जाए तो फिर तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, फिर आपको एक्चुअल नंबर्स के साथ मैं आपको दिखा सकता हूं कैसे करके ये सब कुछ किया जाता है. तो फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं क्या होता है. देखो यही है बिजनेस, अप्स एंड डाउन्स, ऊपर और नीचे आते रहेंगे, चैलेंजेस आते रहेंगे, आपको फेस करने पड़ेंगे. और देखो चैलेंजेस आपको भी आएंगे, अगर ऐड अकाउंट डिसअप्रूव नहीं होता तो कुछ और चीज को लेकर चैलेंजेस आएंगे. तो जो भी चैलेंजेस आए देखो यार, बस स्माइल करते रहो और उनको फेस करते रहो, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, फिर चलो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय.